स्टूडेंट, आज तुम लोगों को बताएंगे इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो, तुमको x का वैल्यू निकालना है। x x x हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का प्लेस में क्या है, x है, ठीक है। तो इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको x को पहले तुमको क्या करना चाहिए, कॉमन लेना है, ठीक है। तो x कॉमन लेने से हो जाएगा 1/15, यहाँ पर हो जाएगा 1/35, सेकेंड फ्रैक्शन हो जाएगा 1/63, यहाँ पर हो जाएगा 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 100, ठीक है स्टूडेंट। तो x तुमको पहले कॉमन लेना है, उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो, x को फिर से कॉमन लेना चाहिए। तो एक लाइन छोड़ के तुमको लिखना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर लिखो, एक लाइन, इस लाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 15 को तुमको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ब्रेक करने से क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5, तो 3 × 5 = 15 होगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिवाइड करो, तो मतलब 5 × 7 = 35, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7 = 35। तो यहाँ पर कितना है, 7, तो 63 को 7 से डिवाइड करने से 9 होगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7 × 9, मतलब 7 × 9 का कितना होगा, 63। तो फिर से यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 9 है, तो 9 कितना जा तुमको 99 मिलेगा, तो 9 × 11 = 99 प्लस 11 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से तुम 143 मिलेगा, 13, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर लिखना है 13 × 15, ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 100, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखना चाहिए, 15 को 3 × 5 लिखा, 35 को 5 × 7, 63 7 × 9, 99 9 × 11, 143 11 × 13। तो हर नंबर में देखो डिफरेंस कितना है, 5 से 3 को माइनस कर दो तो क्या होगा, 2 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, तुमको 5 − 3 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कितना था, 1 था, 1 1 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 को 3 से माइनस करने 2 मिल रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस फ्रैक्शन में हर न्यूमरेटर को कैसे कैसे कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर देखो 35, फिर से तुमको 63 प्लस 99 प्लस 143 प्लस 195 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 100, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, 5 − 3 कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए हर नंबर को, न्यूमरेटर को 1 1 1 1 को, हर 1 को नंबर 1 के साथ क्या कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2, तो 1 × 2 = 2 यहाँ पर लिखना है, 2 2 2 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 तो नहीं था, क्या था, कितना था, 1, ये 2 मल्टीप्लाई किया, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड भी करना चाहिए, तो x / 2 लिखना है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को और x को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस नंबर को देखो, यहाँ पर 2 है, तो 7 − 5 लिखना है, 7 − 5, 9 − 7, 11 − 9, 13 − 11, और यहाँ पर लिखना है 15 − 13, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर, इस प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है, इस टाइप प्रॉब्लम को बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा, तुमको ऐसे तुमको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x लिखना है, x डिवाइडेड बाय 2, फिर से तुमको x डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, 5 / 3 × 5, तो इसको डिवाइड करने से क्या होगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 / 3 × 5 कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 माइनस 3 / 3, यहाँ पर देखो 3 / 3
थ्री इंटू फाइव मतलब क्या होगा, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो मतलब वन बाई फाइव मिलेगा यहाँ पर। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर कितना लिखना है, वन बाई फाइव। सेवन से डिवाइड करो, सेवन डिवाइडेड बाई फाइव इंटू सेवन, तो सेवन सेवन कैंसिल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई फाइव। फिर से माइनस लिखो तो फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इंटू सेवन मतलब क्या होगा, वन बाई फाइव, फाइव कैंसिल हो जाएगा, फाइव फाइव कैंसिल तो मतलब सेवन होगा, तो यहाँ पर सेवन लिखना चाहिए। यहाँ पर कितना होगा, नाइन डिवाइडेड बाई सेवन इंटू नाइन, तो नाइन नाइन कैंसिल हो जाएगा, नाइन नाइन कैंसिल होगा तब सेवन मिलेगा यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर सेवन, यहाँ पर वन। माइनस यहाँ पर माइनस दो, सेवन डिवाइडेड बाई सेवन डिवाइडेड बाई सेवन इंटू नाइन मतलब हो जाएगा वन बाई नाइन। प्लस इसको कैसे लिखना चाहिए, इलेवन बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई नाइन। यहाँ पर क्या होगा, नाइन डिवाइड बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई इलेवन, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, थर्टीन, यहाँ पर हो जाएगा प्लस थर्टीन डिवाइडेड बाई इलेवन इंटू थर्टीन, थर्टीन थर्टीन कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा वन बाई इलेवन, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखना है प्लस इलेवन बाई थर्टीन, इलेवन बाई इलेवन इंटू थर्टीन, तो इलेवन इलेवन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन बाई थर्टीन। प्लस यहाँ पर देखो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थर्टीन इंटू फिफ्टीन मतलब क्या होगा, वन बाई थर्टीन मिलेगा, फिफ्टीन फिफ्टीन कैंसिल हो जाएगा। माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाई थर्टीन इंटू फिफ्टीन क्या होगा, थर्टीन थर्टीन कैंसिल होगा तो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वन बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू हंड्रेड, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत इजी से कैलकुलेशन हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो माइनस से वन बाई सेवन प्लस वन बाई सेवन कैंसिल होगा, माइनस वन बाई फाइव प्लस फाइव वन बाई फाइव कैंसिल होगा, माइनस वन बाई नाइन प्लस वन बाई नाइन, माइनस वन बाई इलेवन प्लस वन बाई इलेवन, यहाँ पर माइनस लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस वन बाई थर्टीन प्लस वन बाई थर्टीन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या तुमको कैसे क्या लिख, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सेफ तुमको क्या है, वन बाई थर्टीन है, और यहाँ पर कितना है, वन बाई फिफ्टीन माइनस वन बाई फिफ्टीन, तो माइनस वन बाई फिफ्टीन तुमको लिखना है, इज इक्वल टू हंड्रेड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो एक्स डिवाइडेड बाई टू इन टू, यहाँ पर एलसीएम करो, थ्री इन थ्री और फिफ्टीन का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है स्टूडेंट। तो x का वैल्यू बहुत इजी से निकल जाएगा, तो x बाई टू इंटू यहाँ पर कितना होगा, 4 बाई 15, ठीक है, इज इक्वल टू 100। तो 2 2 कैंसिल कर दो, 2 4 2 2 जब 4 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, x इंटू 2 बाई 15, 2 टू 4 तो यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर 15 है, तो इसलिए तुमको क्या लिखना है, 2 बाई 15 इज इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 100 इंटू 15 बाई 2, तो 2 50 जा 100 होगा, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 750। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 750 माय डियर स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन की एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा 715, ये हमारा आंसर है, कितना आंसर आया, 715। सो माय डियर स्टूडेंट, सो इफ यू लाइक दिस सोल्यूशन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, बाय बाय।